हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। आज हम बना रहे हैं शाही पनीर। आपको दिखाती हूँ, ये मैंने इसमें तेल गर्म हो गया था मेरा, जीरा डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने ग्राइंड करके रख लिया है सारा सामान पहले से ही। देखिए, तेल गरम कर लिया था मैंने। ये हैं आधी किलो पनीर में, चार प्याज हैं, चार हरी मिर्च, छह लहसुन की कलियां हैं और अदरक का टुकड़ा। ये मैंने सारा ग्राइंड कर लिया था। ये चार टमाटर हैं, पनीर और धनिया। अच्छे से इनको ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा मसाले। लाल मिर्च छोटी 1.5 चम्मच, हल्दी 3/4, धनिया पिसा हुआ छोटी 1.5 चम्मच, उसके बाद नमक 2 चम्मच। हम थोड़ा तेज़ी नमक खाते हुए थोड़ा सा पानी मसाला पकाने के लिए। मसाला पकाएंगे अच्छे से, जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक। आधी चम्मच इसमें डाल लूंगी मैं गरम मसाला। देखिए कितने अच्छे से पक रहा है।
मैंने पनीर को यहाँ पे काट के रख लिया है। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए हमारा मसाला पकने वाला है। देखिए कितने अच्छे से पक रहा है मसाला। नहीं ज़्यादा तेज पे मसाला पकाते हैं तो एकदम से पकता हो ना टेस्ट यहाँ पकता। सिम गैस पे पकाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा, इसमें मसाले का जो टेस्ट है वो निकल के आता है। ये देखिए तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया मसाले ने, यानी कि मसाला पक चुका है हमारा। बिल्कुल अच्छे से अभी मैं इसको एक मिनट के लिए और पकाऊंगी। देखिए हमारा मसाला पक के तैयार है राजभाग सा। अब हम इसमें डालेंगे पनीर जो मैंने पहले से ही काट के रखे हैं। आधी किलो पनीर है ये। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि कितने प्याज कितने टमाटर लें। इसमें थोड़ा सा भाई ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। इसमें हम डेढ़ गिलास पानी डाल लूंगी, आप देख लेना कैसा खाते हो। पानी को बॉईल होने देंगे, अच्छे से पकने देंगे।
मैं दोबारा से आप सभी को राम मंदिर बनने की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया अभी। अगर आप ज़्यादा मतलब गाढ़े वाली ग्रेवी खाते हो तो आप प्याज टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। हम थोड़ी गिली गिली सी सब्जी पसंद है, ढीली ढीली सी। आपको आवाज भी आ रही होगी, बाहर बम फोड़े जा रहे हैं राम मंदिर की खुशी में। सब खुशी मना रहे, दिए हमने भी दिए लगाए हैं, मेरे बच्चे भी बम फोड़ रहे हैं बाहर। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है सब्जी से। मैं इसमें 2 चम्मच मलाई भी डालूंगी। ये दूध वाली मलाई है, वैसे मैं अमूल के बाहर की यूज़ नहीं करती, मैं दूध वाली डाल लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए सब्जी ढक देते हैं, जब तक इसमें अरोमा आए। ये देखिए भाई, क्या जबरदस्ती सब्जी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।